नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की चाल में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन चर्चा होने जा रही है यहां पर कृषि फसलों के बाजार के बारे में। जानेंगे कि कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX शाम के कारोबारी सत्र में कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के क्या फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं और आगे जाके किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, आज ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे एग्री कम्युनिटीज़ में कैसा सीड से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त कैसा सीड का नवंबर वायदा 6576 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है 1.25% की तेज़ी के साथ, और कैसा सीड का दिसंबर वायदा 6664 पर कारोबार कर रहा है 1.5% की तेज़ी के साथ। हम देख रहे हैं कि सुबह के कारोबारी सत्र के मुकाबले अब शाम के कारोबारी सत्र में कैसा सीड के वायदा बाजार के अंदर NCDEX पर अब कुछ बढ़त बनती हुई नज़र आ रही है। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में भी देख रहे हैं कि ठीक ठाक तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। बिनौला खल में हमने सुबह के कारोबारी सत्र में एक नरमी वाला रुख देखा था, शाम की कार्रवाई सत्र की बात करें तो इस वक्त बिनौला खल एक बार फिर से 2500 के ऊपर निकला है, लेकिन 1% की करेक्शन अभी भी देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह के मुकाबले करेक्शन थोड़ी कम हुई है लेकिन अभी भी जारी है, और जानकार यहां से बिनौला खल में आगे बता रहे हैं कि बिनौला खल में 2600 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जल्द जानेंगे अपने जानकार से, अपने एक्सपर्ट से कि किस कृषि फसल में क्या करके चलना सही रहेगा। देख रहे हैं यहाँ पर धनिए का नवंबर वायदा 7806 पर है 1.25% की करेक्शन के साथ, और धनिया का दिसंबर वायदा 8032 पर है। दरअसल इस बार जो अच्छी बारिश हुई है उसके चलते जो अगली क्रॉप होगी धनिया की वो अच्छी बताई जा रही है, जिसकी वजह से धनिया की कीमतों में कुछ एक हल्का करेक्शन वाला माहौल देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ से अगर जीरे की, तो जीरे का नवंबर वायदा देख रहे हैं 15450 पर है 0.5% की तेज़ी के साथ, और जीरे का दिसंबर वायदा 15720 पर है और 15790 का हाई लगा चुका है 0.25% की तेज़ी के साथ। हम देख रहे हैं कि जीरे की कीमतें अब कुछ अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं, एक बार फिर से 15000 के ऊपर है, और खबरें ये हैं कि जीरे का जो एक्सपोर्ट है तेज़ी पकड़ सकता है, डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, और अब जैसे शादी ब्याह का भी सीज़न शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से मसालों की जो डिमांड है वो बनती हुई नज़र आ सकती है। हालांकि दिवाली पर अभी हमने मसाले की कुछ डिमांड निकलते देखी है, लेकिन इतनी देखने को नहीं मिली थी जो कि पिछले दिवाली जो कि पहले दिवाली पर हमने देखा करते थे, लेकिन अब खबरें हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड से जीरे की जो कीमतें हैं वो कुछ उठती हुई नज़र आ सकती हैं। बात करें यहाँ से अगर हल्दी की, तो हल्दी का नवंबर वायदा देख रहे हैं 7568 पर कारोबार कर रहा है, और हल्दी का दिसंबर वायदा 7722 पर। हम देख रहे हैं कि जो हल्दी 7200-7100 पर कारोबार करती हुई नज़र आती थी, अब उसी हल्दी की कीमतों के अंदर एक अच्छी बढ़त बनती हुई नज़र आ रही है। दरअसल अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो सर्दियों में हल्दी की जो खपत होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा वेडिंग सीज़न भी है तो उसकी वजह से भी हल्दी की कुछ डिमांड निकलती हुई सामने आ सकती है। हल्दी की कीमतों में जितनी भी घटबढ़ अभी आपको देखने को मिल रही है वो गल्फ़ कंट्रीज़ यानी कि खाड़ी देशों से जो निर्यात मांग है उसमें मंदी तेज़ी के चलते भी वायदा बाजार में उसका एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। सर्दियों का सीज़न है तो हल्दी की जो कीमतें हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल सकती है और डिमांड जो है निकल के सामने आ सकती है हल्दी की। तो आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा जिससे कि अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सके, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी नमस्कार। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, सबसे पहले आपसे कैसर का आउटलुक जानना चाहूँगा कि हमने कैसर में एक अच्छी तेजी भी आते हुए देखी है, अब देख रहे हैं कैसर सीर का नवंबर वायदा 6500 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, आपको क्या लगता है ये जो कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे तेजी आ रही है उससे क्या कैस्टर में कितनी और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, कैस्टर में हमने अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है, और अगर हम देखें तो भाव दोबारा से पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिखाई दिए हैं। एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है, हमें लगता है कि कैस्टर में आगे वाले समय में 6700-6800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर हमें लगता है कि कैस्टर में खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। ऊपर में भाव
6800 तक के लेवल को दिखा सकता है जी। और अनु जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि केसर का भाव 6800 तक जा सकता है, तो इसका कितना टाइम फ्रेम रहेगा कि कितने हफ्तों में और कितनी समय अवधि रहेगी इसकी? देखिए, हमें लगता है कि इसमें हमें कम से कम अगर हम देखें तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तक के मुझे लगता है कि यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले 10 से 15 दिनों में आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि भावों में आगे तेजी का ट्रेंड देखने को मिलेगा जी। ये सन्नो जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो सुबह के कारोबारी सत्र में तो कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था 2499 के घरों में, अब देख रहे हैं 2500 के ऊपर कुछ उठता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन करेक्शन अभी भी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल एक बार फिर से तेजी की ओर जाता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए, बिनौला खल में एक अच्छी खासी हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी थी, मगर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगेन एक लोअर लेवल में खरीदारी देखी जा सकती है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव रहेगा। कहीं ना कहीं देखें तो बिनौला खल हमें लगता है कि ऊपर में 2600 से लेकर 2700 रुपए तक के लेवल को दिखा सकता है। ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव है तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जल्दी ही आपको 2600-2700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं जी। ये सनु जी, बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो दिवाली तक हमने देखा था कि धनिया 8000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा था, डेली 8000 के ऊपर की क्लोजिंग आती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दिवाली जाते ही धनिए में 8000 के नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 7800 पर इस वक्त कारोबार कर रहा है नवंबर वायदा। और देख रहे हैं कि जीरा और हल्दी जो नरमी के साथ ट्रेड कर रहे थे, अब उनमें अचानक से उछाल देखने को मिला है। आपको क्या लगता है, आगे जाके किस मसाले में कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी और कितने टाइम फ्रेम के अंदर? देखिए, मसालों में ट्रेंड पॉजिटिव है, हमने जीरा में अच्छी रिकवरी देखी है, वहीं टर्मरिक के अंदर भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, हालांकि धनिया में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहा है। हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा, मगर जो ट्रेंड बना है पॉजिटिव वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हमें लगता है कि खरीदारी का जो ट्रेंड है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है और डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पर कंटिन्यूस बनती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि जीरा और टर्मरिक दोनों में अच्छी खरीदारी का ट्रेंड बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हमने ट्रेंड पॉजिटिव देखा है, एक्सपेक्टेड है कि स्पेशली जीरा टर्मरिक के अंदर खरीदारी का ट्रेंड बनाने को देखने को मिल सकता है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो धनिया में अभी थोड़ा अराइवल का प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, हालांकि यहाँ पर भी हम एक्सपोर्ट डिमांड देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि बायोलिव की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए, तो मसालों में एक्सपोर्ट डिमांड का काफी असर रहेगा। हालांकि सोइंग एक्टिविटी थोड़ी सी कम रही है यहाँ पर मसालों में इस बार, तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो भी डिप मिलता है वहाँ खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए जी। ये सनु जी, नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन शाम के कारोबारी सत्र में काफी शानदार तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वार गम में देख रहे हैं 6% का ऊपरी सर्किट लग चुका है और ग्वार सीड में 4% का, आपके जो टारगेट्स थे वो भी अचीव ही हो चुके हैं। आपको आगे क्या लगता है, यहाँ से अब एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है या फिर यहाँ से भी अभी और तेजी आगे जाएगी? देखिए, ग्वार सीड ग्वार गम में जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव ही था, हालांकि यहाँ पर हमने दिवाली के बाद थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम अगेन आते हुए देखा है। दिवाली के कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले हमने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी थी जी, बट जो ट्रेंड है इसका पॉजिटिव ही है जो कि कंटिन्यू होते हुए देखा है। तो हमने जो ट्रेंड पहले था वो अगेन दिखाई दिया, अगर आते हुए देखेंगे एक्सपेक्टेड है कि पुनः हम ग्वार सीड में 7000 और ग्वार गम में करीबन 13200-13300 तक के लेवल देख सकते हैं। तो ग्वार सीड ग्वार गम का ट्रेंड पॉजिटिव ही है, यहाँ पर हमारी रिकमेंडेशन बाय की ही रहेगी जी। ये सर अनुज जी, कुछ खबरें भी निकल के सामने आई है क्रूड को लेकर। हम देखते हैं कि जब भी क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ग्वार के प्राइसेस पर भी पड़ता है। तो अब सुनने में आया है कि अगर मार्केट में ज़्यादा डिमांड आती है तो ओपेक प्लस आउटपुट बढ़ा सकता है। हालांकि अभी 4 नवंबर को जो बैठक हुई थी उसमें यही डिसीजन लिया गया था कि अभी जो पहले का प्लान था उसी पर ही स्टिक करेंगे वो लोग, लेकिन अब ओपेक बढ़ा सकता है अपना आउटपुट। वहाँ के ऑयल मिनिस्टर का एक बयान आया है, ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर ऑयल का आउटपुट बढ़ता है तो उसका रिफ्लेक्शन क्या ग्वार के प्राइसेस पर पड़ सकता है? देखिए, क्रूड का डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा और क्रूड की वजह से जो ट्रेंड पकड़ा है वो हमें लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने ग्वार के अंदर अच्छी खासी रिकवरी देखी है, हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो रिकवरी रही है उसका असर भी रहेगा। तो
तो डेफिनेटली क्रूड के ज्यादा भाव होने की वजह से कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव की तरफ भी आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि ग्वारचिट ग्वारगम में जो ट्रेंड है वो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, क्रूड के भाव ऊपर आएंगे तो आपको अगेन इसमें पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। जी ये सनु जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि सरकार एक के बाद एक लगातार कदम उठाती हुई नजर आ रही है। हाल ही में सरकार ने फिर से जो बेसिक ड्यूटी थी वो घटाई है कच्चे सीपीओ की, क्रूड सनफ्लावर ऑयल की और क्रूड सोयाबीन ऑयल की। आपको क्या लगता है, आप आगे जाके एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? ये एडिबल ऑयल का जो ट्रेंड है वो हमें लगता है कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ आता हुआ देख रहे हैं, मगर हमें साथ साथ जो ट्रेंड पकड़ा है वो एक अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो डिमांड फैक्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर दूसरी तरफ अगर हम सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पर नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होती हुई दिख रही है, उसका भी काफी खासा असर यहाँ पर रहेगा। तो अगर सोयाबीन की फसल की आवक बढ़ती हुई दिख रही है तो उससे भी आने वाले समय में भावों में कुछ प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हमारा व्यू है कि यहाँ पर अभी जो ट्रेंड पकड़ा है वो अभी फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोयाबीन की आगे अराइवल बढ़ेगी और आगे हम सरसों की आवक भी देखेंगे तो हमें लगता है कि भावों में आने वाले समय में जो है कुछ नरमी देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी तेजी हो सकती है एडिबल ऑयल में, मगर लंबी अवधि में सोयाबीन और सरसों की आवक बढ़ने की वजह से हम पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में कुछ नरमी आते हुए देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता कि ज्यादा तेजी की तरफ जाएगा, यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ही ट्रेड रहना चाहिए। जी अनुज जी, आपकी तरफ से टॉपिक्स कौन से रहेंगे जिनके अंदर आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और आगे भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो जीरे के अंदर हम खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है और काफी अच्छा मोमेंटम हम इसमें देख रहे हैं। दूसरी तरफ ग्वार के अंदर भी खरीदारी की जा सकती है, हमें लगता है कि 7,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एग्री में हमें लगता है कि जीरा में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं और साथ में ग्वार का भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि अनुज जी ने बताया कि ग्वार और जीरा, उनकी तरफ से ये दो टॉपिक्स दिए गए हैं जिनके अंदर आज भी और आने वाले दिनों में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों कम्युनिटीज़ में आप खरीदारी की स्ट्रेटजीज बनाकर चल सकते हैं अनुज जी ने जो लेवल्स दिए हैं उनको अचीव करने के लिए। तो आशा करते हैं आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।